प्रणाम, मैं हूँ अनारा गुप्ता और नव भोजपुरी के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जी, क्या आज जो आप शो कर रही हैं इतनी पब्लिक के बीच में, क्या कहना चाहें, कैसा एक्सपीरियंस है आज आपको? ऑफकोर्स बीइंग हियर आर्टिस्ट अच्छा लगता है इतनी पब्लिक के बीच में शो करना, और राकेश यादव को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्होंने इतना अच्छा शो किया, और अरुण जी को भी, अरुण सिंह भोजपुरिया जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कि उन्होंने मुझे इतने बड़े भव्य शो का हिस्सा बनाया। देखिए अभी तो एक ही परफॉर्मेंस, एक ही एंट्री लेकर आ रही हूँ और दूसरी एंट्री के लिए रेडी बैठी हूँ, जैसे आएगा वैसे आऊँगी। और ये ऑफकोर्स अच्छा लगता है, पब्लिक जब आपको जो प्यार करती है, आपको जो सम्मान देती है और आपके लिए इतनी तालियां बजाती है, तो लगता है कि सफल हो गया है आपका जॉब कर रहे हैं, आप जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं स्टेज पे वो सफल है जब वो ताली मारती है। आज के जो सिंगर हैं अरविंद कला कल्लू जी हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैंने तो उनके साथ तब काम किया था जब उन्होंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, और अच्छा लगता है कि वो इतना बड़ा हो गया और इतने कामयाब एक्टर हो गए हैं। वो मैंने देखी थी, काफ़ी हाइट निकाल ली है उन्होंने, काफ़ी लंबे हो गए हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको उनके फ्यूचर के लिए कि वो बहुत तरक्की करें, बहुत नाम रोशन करें अपनी फैमिली को और हमारे भोजपुरिया माटी के माटी को ऊंचा रखें। डेफिनेटली हमारी पहली होम प्रोडक्शन है, मेरे हमें जो फिल्म लेता है करण सिंह प्रिंस, उनका हम लोगों का पहला जो होम प्रोडक्शन जा रहा है दिल है हिंदुस्तानी, और जिसके डायरेक्टर पराग पाटिल जी हैं और म्यूजिक डायरेक्टर रजनीश जी हैं और स्टोरी राकेश जी ने लिखी है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आई थिंक इसके बाद भोजपुरिया सिनेमा को लोगों का जो बाहर के लोग हैं उनका जो नज़रिया है वो बदलने वाला है, तो बदलाव ज़रूरी है मुझे लगता है। देखिए अभी तो सिर्फ होम प्रोडक्शन पे पूरा पूरा मेरा ध्यान है, जो शूटिंग कर चुकी हूँ मिलन संजोग की शूटिंग की है मैंने, ख़त्म करके आई हूँ, और मोहब्बत फिल्म है वो ख़त्म करके आई हूँ प्रेमांशु दा की, देखते हैं अच्छी फिल्में हैं दोनों, बहुत ही अच्छी और पारिवारिक फिल्म है, अगले साल रिलीज होंगी, और खुश हूँ और अपने होम प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, नए लुक पे पूरा पूरा फोकस है उसके लिए मेहनत चल रही है। देखिए वो तो राजनीतिक पर्सन है, पॉलिटिशियन है, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं उनको ज़बरदस्ती हीरो बना रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है मुझे उनको ऑन स्क्रीन देखे, मेरा जो उनका ऑफ स्क्रीन वाला जो केमिस्ट्री है, जो प्यार है, मैं चाहती हूँ मेरी ऑडियंस वो ऑन स्क्रीन देखे। मुझे लगता है कि जितनी कंफर्टेबल मैं उनके साथ रहूँगी ऑन स्क्रीन, उतनी शायद मैं किसी और हीरो के साथ रही होंगी या आगे फ्यूचर में रहूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं और करण जब ऑन स्क्रीन आए तो लोगों को एक नई चीज़, नई नया सिनेमा, नया सब नया दिखने को मिले जो पहले अभी तक भोजपुरी में ना बना हो। बस उनकी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, उनकी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, और जब सिनेमा बन के रेडी हो जाए तो बस सिनेमा घर में जाएं और वो देखें, और अपना खूब सारा प्यार हमें जो है अपनी थिएटर में जाके देखें, टिकट खरीद के देखें, उसके थ्रू दें, उसके ज़रिए हमें उतना प्यार दें अपना। नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं चाहती हूँ कि हमारा जो यूथ है वो आगे बढ़े, वो नशे की तरफ ना जाए, क्योंकि आज जो यूथ है वो बेसिकली नशे में ज़्यादा है, उनका कल्चर अलग हो गया है, हमने मोर ओवर वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है। तो मेरी ये सबसे प्रार्थना है, और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आने वाला साल हमारा यूथ जो है एक नई दिशा लेगा, अच्छे तरीके से हमारे भारत को और आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देगा।